लोकसभा इलेक्शंस की लहर काफी जोरों शोरों पर है। इसी के बीच चलते गुलबर्गा में हर रोज डेली 3 से 4 वार्ड में पैदल यात्रा चल रही है नॉर्थ एमएलए कनिष फातिमा जी की तरफ से। इसी के बीच चलते वार्ड नंबर 15 और 16 में आज पैदल यात्रा की गई महाराजा होटल चुना भट्टी मनियार फंक्शन हॉल तक। काफी सारे लोगों ने इस पैदल यात्रा में शामिल होकर मैडम का साथ दिया और मैडम को भरोसा दिलाया कि इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे और साथ ही साथ हर एक डोर टू डोर जाकर मैडम हर एक स्कीम के बारे में लोगों को बताते हुए आप इस वीडियो में नजर आएंगे। और इस पैदल यात्रा में एक मैडम कनिष फातिमा जी के साथ फराजुल इस्लाम के साथ साथ और भी कई सारे कांग्रेस के लीडर इस पैदल यात्रा में मौजूद थे और मैडम डोर टू डोर कैंपेन करते हुए मशीन में हमारा निशान हाथ का है और 2 नंबर बटन पर आपको बटन दबाकर कांग्रेस का साथ देना है मशीन के साथ मैडम डेमो बताते हुए इस वीडियो में नजर आएंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समर्था जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद समर्था के साथ है समर्था के बाद भी बेटा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बेटा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद फराज बाबा कुछ देता फराज बाबा डालो आप शेगिल भाई को नहीं नहीं थोड़ा पानी का लाइट प्रॉब्लम नंबर फराज बाबा काला फराज बाबा तो बोरिंग का बोला था रास्ते में अच्छा यहाँ का है आई तो हाँ भैया ये उनके भाई नहीं आप लोग की जिम्मेदारी अम्मा चलो 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 अरे चले शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ पर 15 और 16 वार्ड नंबर 15 और 16 में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ रफीक है, जहीर है, तमाम लोग हैं, बबलू है, समद समद साहब दस्तगीर है, समद साहब तमाम यहाँ एरिया के पूरे तमाम समद और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है ये एरिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह।
तब लोग खुश है इंशाल्लाह ताला। काफ़ी यहाँ से भी मेजॉरिटी आने की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, ज़्यादा वोट पड़ेंगे यहाँ से मुझे उम्मीद है। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो साथ फिर रहे हैं हमारे, और उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि वोटिंग के दिन भी आप लोग घरों से सबको निकालिए। मेन इम्पॉर्टेंट वो दिन रहता है, वो दिन आप लोग घरों से निकाल के लेडीज़ को वोट दिलाएंगे तो हमारी पोलिंग बढ़ेंगी, और पोलिंग बढ़ाना हमारे बहुत ज़रूरी है, 80-85% तक हमको करना। मेन जिम्मेदारी वही है वोटिंग के दिन की, आप लोगों को घरों से निकालना है, लेडीज़ को घरों से निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है, और वापस से लाने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो इंशाल्लाह वो काम हुआ है तो बहुत ज़्यादा 80-85% तक होने की उम्मीद है इंशाल्लाह। इस बार पोलिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बस मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उस दिन एक दिन मेहनत कीजिए, आप इंशाल्लाह ताला आने वाले 5 साल आप लोग इत्मीनान में अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, कोई चीज़ का टेंशन नहीं होगा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है मेरी, मैडम आने वाले दिनों में और जो भी काम बचे हुए हैं हम पूरे करेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ गया था, 5 स्कीम्स से 5 स्कीम्स शुरू हो गए थे जी, 5 स्कीम शुरू हो गए थे, तो उसमें थोड़ा सा और डिले हुआ है। जो भी बचे हुए काम इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस के बाद हम पूरे करेंगे, वादा किए हैं सबसे पूरा करेंगे, जितने हुए लेकिन आइंदा भी करेंगे।